तो चलिए अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज द टू डिजिट नंबर। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि टू डिजिट नंबर है जिसके दोनों डिजिट को हम अगर ऐड करें तो उनका सम हमको 9 मिलता है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। मतलब अगर मैंने उस दो डिजिट नंबर में उन दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया तो जो नया नंबर फॉर्म होता है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा होता है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द टू डिजिट नंबर। अब हमें वो टू डिजिट नंबर फाइंड करना है। चलिए फिर से इसको और अच्छे से समझते हैं। तो जैसा इस क्वेश्चन में बोला है एक टू डिजिट नंबर है तो उस टू डिजिट नंबर को हम एक्स वाई ले लेते हैं और हमें फिर ये बोला गया है कि उन दोनों डिजिट का जो सम है वो हमें 9 देता है। इसका मतलब ये है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब क्वेश्चन में आगे बोला है कि जब हम इन दोनों डिजिट्स को इंटरचेंज कर देते हैं मतलब y को x की जगह डाल देंगे और x को y की जगह डाल देंगे तब हमें जो नंबर मिलता है वो इससे 27 ज्यादा है। और फिर क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें इस टू डिजिट नंबर को फाइंड करना है। तो पहले हम टेंस डिजिट और वंस डिजिट का एक टेबल बना लेते हैं। मतलब यहां पर हम टेंस डिजिट के नंबर लिखेंगे और यहाँ पर हम वंस डिजिट के नंबर लिखेंगे। अभी मैं ओरिजिनल नंबर में टेंस डिजिट में जो नंबर है उसको मैं एक्स ले लेता हूँ और जो वंस डिजिट पे है उसको मैं वाई ले लेता हूँ। अब उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि उन दोनों का सम 9 है। इसका मतलब यही होगा कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो इससे मैं एक कंक्लूजन में आ सकता हूं कि y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। तो मैं यहां पर वंस डिजिट में y की जगह 9 माइनस एक्स भी लिख सकता हूं। अब फिर उसके बाद हमें क्या बोला है, इन दोनों डिजिट को हमें इंटरचेंज करना है। अभी ये 9 माइनस एक्स वंस प्लेस पे है तो जब मैं उसको इंटरचेंज करूंगा तो वो टेंथ प्लेस पे चले जाएगा और x यहाँ पर टेंथ प्लेस पे है तो जब मैं इंटरचेंज करूंगा उसको तब वो वंस प्लेस पे चले जाएगा। इसका मतलब होगा 9 माइनस एक्स और यहां पर आ जाएगा x। अब जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 32 तो इसके वंस प्लेस पे 2 है तो इधर 2 लिख देंगे और इसके टेंथ प्लेस पे 3 है। अब मैं ये देख सकता हूं कि मैं 32 को लिख सकता हूं 30 प्लस 2। अब जो 10th प्लेस पे नंबर था 3 उससे मैंने 10 मल्टीप्लाई किया जिससे मेरे को 30 मिल सके। उसी तरह मैं x और 9 माइनस एक्स में भी 10 मल्टीप्लाई करूंगा ताकि मेरे को ओरिजिनल नंबर मिल सके। अब उसके बाद हमें क्या बोला गया है कि जो नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है। इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले तो मैं x इंटू 10 कर दूंगा तो वो होगा, तो हमारा पहला नंबर क्या होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले तो हम 10 स्पेस में कौन सा नंबर है वो है x, तो उसके साथ हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमको देगा 10x प्लस वंस प्लेस में कौन सा है 9 माइनस एक्स प्लस 9 माइनस एक्स, ये हो गया हमारा पहला नंबर। और हमारा दूसरा नंबर क्या होगा वो होगा 9 माइनस एक्स इंटू 10
क्योंकि ये 9-x 10th प्लेस पे है, तो हो जाएगा 10 × 9-x प्लस 1 प्लेस पे हमारा x है, तो प्लस हम x लिख लेंगे। तो जैसा बोला गया है कि जो नया नंबर निकला वो हमारे ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा था, इसका मतलब ये होगा कि 10x प्लस 9-x प्लस 27 इज इक्वल टू 10 × 9-x प्लस एक्स। यहां पर हमारी इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अब हमें फाइंड करने को क्या बोला है, हमें वो ओरिजिनल टू डिजिट नंबर फाइंड करने को बोला गया है। अब इसका सोल्यूशन कैसा होगा, सबसे पहले सोल्यूशन लिख लेंगे, फिर उसके बाद इस इक्वेशन को हम उधर लिख देंगे जो है 10x प्लस 9-x प्लस 27 इज इक्वल टू 10 × 9-x प्लस एक्स। अब यहां पर मेरे को दिख रहा है 10x - x, 10x - x होता है 9x और यहां पर 9 + 27 है, तो 9 + 27 कितना होगा, वो होगा 36 इज इक्वल टू यहां पर 10 × 9 होता है 90 माइनस 10 × x होगा 10x प्लस x। तो अब हम वेरिएबल्स को एक तरफ ले लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल्स को LHS में ले लेता हूं और कॉन्स्टेंट को मैं RHS में ले लेता हूं। तो सबसे पहले मैं 9x लिख दूंगा। अब यहां पर -10x RHS में माइनस में है, तो यहां पर तो LHS में आकर प्लस में हो जाएंगे, मतलब प्लस 10x। अब यहां पर x प्लस में है तो यहां पर आकर वो माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 90। अब यहां पर 36 प्लस में है तो इधर जाकर माइनस 36 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 9x प्लस 10x होगा 19x और 19x माइनस x होगा 18x, तो इधर 18x लिख देंगे इज इक्वल टू 90 - 36 होता है 54। इसका मतलब ये होगा x इज इक्वल टू 54/18, 18 × 3 = 54, तो x हमें मिल गया 3। अब यहां पर x हमें मिल चुका है 3, तो 9 - x कितना होगा, वो हो जाएगा 9 - 3 जो होगा 6। तो अभी हमारा ओरिजिनल नंबर क्या हो गया, वो हो गया 36। अब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 63। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि सच्ची में जो ओरिजिनल नंबर है वो इंटरचेंज नंबर से 27 कम है कि नहीं, इसको चेक कर लेंगे। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, वो था 10x प्लस 9-x या फिर सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 36 प्लस बोला था कि जो इंटरचेंज नंबर है वो 27 ज्यादा है, मतलब 36 प्लस 27 हमको देना चाहिए 63। अब 36 प्लस 27 कितना होता है, वो भी होता है 63, तो हमारा 63 = 63 आ चुका है। इसका मतलब यह है कि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हो चुका है। इसका मतलब यह है कि हमने जो वैल्यू निकाली थी वो सही है।